$23 मिलियन से बोला था, तो $23 मिलियन को अगर मैं 80 रुपए से करता हूं तो लगभग 180 करोड़ रुपया बनता है, 180 करोड़ रुपया। तो ऐसे ने बोला था यू विल गेट दिस मनी इंस्टेंटली, आपको बहुत जल्दी ये पैसा मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये बहुत जल्दी मिलने वाला है 180 करोड़ तो आगे आने वाली पीढ़ियां और हम के कितने और साल बड़े हैं, कितना पैसा आपको आएगा ये आप लोग सोच नहीं सकते। बहुत से लोगों को ये नहीं पता, मैं जानता हूं, मैं भी इंडियन हूं, मुझे पता है कि बहुत लोगों का कैलिबर इतना हाई है ही नहीं कि वो ये सोच सके कितना पैसा आएगा। आपने एक दिन शायद सोचा होगा गुरसिमंदर ने कहा था कि यार हमारे पास सबके अपने अपने प्राइवेट जेट होंगे, तो लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई थी यार प्राइवेट जेट, अरे भाई प्राइवेट जेट तो 300-400 करोड़ का आता होगा, मेरे ख्याल 200 करोड़ का आता होगा। अगर ऐश ने इतना बड़ा ये बिजनेस सेटअप आपको दिया है, एक एक कंपनी हमारी बिलियन ऑफ डॉलर की है, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट हमारा बिलियन ऑफ डॉलर का है, और अभी तो मैंने आपको फिजिकल प्रोडक्ट तो बताया नहीं, अभी फिजिकल प्रोडक्ट के दी हमारी इन्वेंट्री खुली नहीं है। ऐसे ऐसे फिजिकल प्रोडक्ट कंपनी बनाने जा रही है, हालांकि पता नहीं है, मैंने तो मेरी एक दिन, मैं तो ऐसी उड़ान मारता हूँ, जब हैदराबाद में गया था तो 4-5 लोग हम गाड़ी में थे, हरी शर्मा जी मेरे साथ थे, कुंदन सिंह था मेरे साथ, तो उनको मैंने एक ऐसे एग्जांपल दे दिया, बड़े खुश हो, बोले साहब कमाल ऐसा होगा क्या, मैं क्या, हाँ ऐसा भी कोई मोबाइल आएगा हमारे पास कि जिसको रिचार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े शायद, और आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके खड़े हो जाएं, आपकी 5 स्ट्रेंथ 5 बात कर सकते हैं आप, और उसको रिचार्ज भी कभी नहीं करना पड़ेगा। एक दिन ऐसे ने खुद एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लो एप्पल कंपनी एक टीवी लेके आती है हैदराबाद, और बोला कि ओ वी विल ग्रैब इट, हम तो जल्दी ले लेंगे, तो उन्होंने उसे कितनी अच्छी क्वालिटी का बोला कि अगर ये हमारे पास, हालांकि उसने ये वर्ड यूज नहीं किया लेकिन उनके मन में था ये कहने का। बहुत सी बातें ऐश कहते कहते रुक जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ ऐसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन उस पर दोस्तों काम हो रहा है, इस सब के ऊपर काम हो रहा है सीक्रेटली, बहुत बड़ा धमाका। ऐसे नहीं है मैं आपको बताऊं इतना बड़ा धमाका किसी दिन मचेगा इस वर्ल्ड के अंदर तो दुनिया स्तब्ध रह जाएगी, होल वर्ल्ड विल बिकम डम्बस्ट्रक होता ना, स्तब्ध हो गए, चंबा हो गया, यार ये क्या हो गया। जैसे अमेरिका ने बम डाले थे ना तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1945 में, तो उन दो बम्बों ने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था, वो लो इंटेंसिटी बॉम्ब थे, लो इंटेंसिटी न्यूक्लियर बॉम्ब्स। दोस्तों अभी एक ऐसा बॉम्ब फटेगा, उस बॉम्ब का नाम है ऑन पैसिव, और वो इस जमीन पे ऐसा फटेगा कि उसे एक भी शहर ऐसा नहीं बचेगा, एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर इतना पॉजिटिव असर ना हो जाए कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। हिरोशिमा वाले तो आज बेचारे याद रखते हैं कि मन को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट इतना बड़ा होगा इस बॉम्ब का कि आने वाले कई साल तक दुनिया ऐश के पीछे भागेगी, हमारे पीछे आएगी। एक दिन ऐश ने वर्ड यूज किया था कि ऑल द फाउंडर्स विल बी हंटेड, यानी कि हंट का दो बिल होते हैं, हंट का एक मतलब होता है शिकार करना, दूसरा था खोज करना। जैसे कोई बड़ा अपराधी हो ना तो इंग्लिश की न्यूज में आती है कि ये मैसिव हंट इज ऑन, कि उसको खोजने की बड़ी हंट हो रही है भैया, तो हमारे भी हंट होगी। ये नोट करें आप लोग, आपके घर में गाड़ी का लेकर के लोग आएंगे, यार आप फाउंडर हैं क्या, ओ यार हमें भी कराइए, हमें तो पता ही नहीं था। जैसे कल ही मेरे पास एक फोन आया कि उन्होंने शायद, हाँ गावंडी अनूप गावंडी जिससे सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि उनका एक बंदा फ्रेंड था, उन्होंने बाद में फोन किया, गया मेरे को बताओ मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, तो अनूप जी ने कहा कि भैया अब तो वक्त निकल गया है, अभी आप फाउंडर नहीं बन सकते हैं, एक अभी आगे चांस मिलेगा आपको, यू कैन बिकम इधर रीसेलर और कस्टमर बन सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए अभी तो वक्त कुछ आया नहीं है, कुछ हमें जब मिलना शुरू होगा ना तो फिर देखना। आप लोग ब्रांड एम्बेसडर ऐसे नहीं हो, ऐसे उनको टाइटल नहीं दिया गया है, एक दिन ऐसा भी आएगा हरे के घर में आगे गाड़ियां खड़ी होगी, साहब हमें तो नहीं पता था ये कंपनी के बारे में, हमने सुना है बहुत, अखबारों में आ रहा है, बहुत टीवी में आ रहा है, बड़ी चर्चा सुन रहे हैं साहब, ये क्या है। तब आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, तब रियल वैल्यू आपको पता चलेगी, फाउंडर की वैल्यू क्या होती है भैया, ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, और पैसिव क्या है। इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर दुनिया के अंदर, इतना बड़ा विजन लेकर के ये इंसान आया है दोस्तों, तो कुछ तो उसके पास प्लानिंग होगा। अभी फिजिकल प्रोडक्ट की फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ लग रही हैं यो तो ऐसे जानते होंगे, और आपको पता है कितनी बड़ा स्टाफ, कितना बड़ा स्टाफ, 1800 वकील हमारे आज से नहीं 3 साल पहले से बना दिए गए हैं। क्या किसी और कंपनी के बारे में आपने सुना इसके बाद 2-4 वकील भी अटॉर्नी या जनरल ऐसे हों? 1800 वकील किस लिए बनाए गए, क्योंकि आपने एफिल टावर देखा है, एफिल टावर के बारे में सुना होगा, वो फ्रांस के अंदर है दोस्तों, उसकी हाइट पे मत जाइए आप, उसके नीचे बॉटम के अंदर भी 8,500 टन लोहा दबा हुआ है ताकि उसको सपोर्ट कर सके।
इसकी हाइट को तभी वो सपोर्ट कर पा रहा है कि 8,000 टन उसका जो लोहा है वो नीचे दबा हुआ है उसके अंदर। तो ये ऑन पैसिव नीचे बहुत कुछ दबा हुआ है, मतलब होता है शिकार करना, दूसरा था खोज करना। जैसे कोई बड़ा अपराधी हो ना तो इंग्लिश की न्यूज में आती है कि ये मैसिव हंट इज ऑन, कि उसको खोजने की बड़ी हंट हो रही है भैया। तो हमारे भी हंट होगी, ये नोट करें आप लोग, आपके घर में गाड़ी लेकर के लोग आएंगे, यार आप फाउंडर हैं क्या? ओ यार हमें भी कराइए, हमें तो पता ही नहीं था। जैसे कल ही मेरे पास एक फोन आया कि उन्होंने शायद, हाँ गावंडी अनूप गावंडी जी से सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि उनका एक बंदा फ्रेंड था, उन्होंने बाद में फोन किया गया मेरे को, बताओ मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। तो अनूप जी ने कहा कि भैया अब तो वक्त निकल गया है, अभी आप फाउंडर नहीं बन सकते हैं, एक अभी आगे चांस मिलेगा आपको, यू कैन बिकम इधर रीसेलर और कस्टमर बन सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए अभी तो वक्त कुछ आया नहीं है, कुछ हमें जब मिलना शुरू होगा ना तो फिर देखना। आप लोग ब्रांड एम्बेसडर ऐसे नहीं हो, ऐसे उनको टाइटल नहीं दिया गया है। एक दिन ऐसा भी आएगा, हरे के घर में आगे गाड़ियां खड़ी होंगी, साहब हमें तो नहीं पता था ये कंपनी के बारे में, हमने सुना है, बहुत अखबारों में आ रहा है, बहुत टीवी में आ रहा है, बड़ी चर्चा सुन रहे हैं साहब, ये क्या है? तब आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, तब रियल वैल्यू आपको पता चलेगी, फाउंडर की वैल्यू क्या होती है भैया, ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, ओनर पैसिव क्या है। इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर दुनिया के अंदर, इतना बड़ा विजन लेकर के ये इंसान आया है दोस्तों, तो कुछ तो उसके पास प्लानिंग होगा। अभी फिजिकल प्रोडक्ट की फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ लग रही हैं, जो तो ऐसे जानते होंगे, पर आपको पता है कितनी बड़ा स्टाफ, कितना बड़ा स्टाफ, 1800 वकील हमारे आज से नहीं 300 साल पहले से बना दिए गए हैं। क्या किसी और कंपनी के बारे में आपने सुना इसके बाद 2-4 वकील भी अटोर्नी या जनरल ऐसे हों? 1800 वकील किस लिए बनाए गए? क्योंकि आपने एफिल टावर देखा है, एफिल टावर, एफिल टावर के बारे में सुना होगा, वो फ्रांस के अंदर है दोस्तों, उसकी हाइट पे मत जाइए आप, उसके नीचे बॉटम के अंदर भी 8,500 टन लोहा दबा हुआ है ताकि उसको वो सपोर्ट कर सके। इसकी हाइट को तभी वो सपोर्ट कर पा रहा है कि 8,000 टन उसका जो लोहा है वो नीचे दबा हुआ है उसके अंदर।